हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैंने कल मैंने एक अपडेट भेजा था टेलीग्राम पे, मेरे चैनल पे, वर्जन 1.3। सो इसको मैंने आज टेस्ट कर रहा था और आपके सामने मैं अभी इसको एक बार रन करके दिखाने वाला हूँ, सो कि कैसे ये वर्क हो रहा है। ओके, सो मैं अभी चालू कर देता हूँ। सो थोड़े बग्स थे, मैंने अभी जस्ट फिक्स कर दिए हैं सब कुछ, और उसको एक बार अभी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर मेरा ब्रोकर भी चालू करके रखा है। मैंने ये टेस्ट करने के लिए मैंने दो तीन ट्रेड लिए हैं, बहुत सारे काम कर रहा है। मैं अभी लॉगिन कर देता हूँ। ओके, और इसका कंप्लीट में उसका सेटिंग्स में आपको क्या क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, कहाँ से क्या क्रेडेंशियल्स उठाना है और उसको कैसे डालना है, उसको मैं सेपरेट एक वीडियो आज ही बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है कि क्या सही सेटिंग्स है इसके लिए। ओके ओके, मैं लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं निफ्टी सेलेक्ट करूँगा और ओटीएम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है। मैं सुबह से टेस्ट कर रहा था। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 16-10 रुपये का कुछ चल रहा है, और मैं यहाँ पर फर्स्ट मार्केट को सिलेक्ट करूँगा। ओके, फर्स्ट मार्केट दिखा देता हूँ और मैं डायरेक्टली SL लगा देता हूँ, और यहाँ पर पॉइंट्स 5 पॉइंट्स और लॉट साइज़ 1। ओके, और यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट पर मैं यहाँ पर पी लिमिट, SL, टारगेट सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या है, उसको भी हम टेस्ट करेंगे कि कैसे वर्क करता है। ओके, सो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर साइड पे रखता हूँ इसको और बाय पे प्रेस करता हूँ। ओके, यहाँ पर बाय हो चुका है। ओके, बाय होते ही इमिडिएटली आपका SL भी लग चुका है, यहाँ पर ट्रिगर पेंडिंग पे चला गया है। ओके, सो बाय कितने पर हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो एवरेज प्राइस यहाँ पर 16.65 पे ये बाय हो चुका है। यहाँ पर पोजीशन पे दिखा दूंगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। बाद में आपको ये SL भी लग चुका है नॉर्मल पर। ओके, वो लग चुका है 11 रुपये 60 पैसा पर। ओके, और अगर मुझे इसको ट्रेल करना है, सो बहुत लोगों ने पूछे थे कि ट्रेल कैसे करें, सो मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 पॉइंट का ट्रेल, मतलब करंट प्राइस के 1 पॉइंट नीचे। ओके, अभी करंट प्राइस चल रहा है 17 रुपये, मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर देता हूँ। सो मॉडिफाई करते ही आपका ये SL मॉडिफाई होकर 16 रुपये बन चुका है, करेक्ट। और मुझे इसको 2 पॉइंट नीचे SL पे मॉडिफाई करना है करंट प्राइस के, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर SL 15 रुपये हो चुका है, करेक्ट। सो ऐसे आपको इसको टारगेट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से -3 -1 ऐसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको करना है। ओके, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन ऑर्डर और टारगेट लग चुका है 19 रुपये 90 पैसे। ओके, और नेक्स्ट में अभी क्या करता हूँ, इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। ओके, फिलहाल अब 2 रुपये बन चुका है, मैं नहीं तो सेल ही करता हूँ। सेल करने के लिए मुझे इसको ट्रिगर करना पड़ेगा, सो ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैंसिल करके आपका कोई भी ओपन पोजिशन है उसको आप हटा सकते हो। अभी ओपन पोजिशन सब कुछ हट गया है, अभी मैं डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। ओके, मैंने 16 रुपये 65 पे बाई किया था, अभी मैं सेल करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा ऑर्डर है, 50 क्वांटिटी, इसको आप क्लिक करो, और यहाँ पर अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 17 रुपये। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 17 रुपये एंटर करता हूँ, 17.05। ओके, सो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करते ही मेरा ये कंप्लीट हो चुका है सेल ऑर्डर। ओके, सो ऐसे आप इसको कर सकते हो। अभी मैं जो सेल पे जाना है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी नहीं दिख रहा है, 0 क्वांटिटी है। ओके, इसको कैंसिल करने के लिए और ये पोजीशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, वो है ऑटो लिमिट पे। ओके, ऑटो लिमिट क्या है कि आपका मार्केट प्राइस के बेस्ट प्राइस, और शून्य API प्रोवाइड करता है कि बेस्ट प्राइस 1, बेस्ट प्राइस 2, बेस्ट प्राइस 3, लाइक दैट वो डेटा को प्रोवाइड करता है। वैसे अभी मैं इसको ऑटो लिमिट पे लगा देता हूँ और SL और एक की क्वांटिटी। ओके, फिर से मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसको बाई करता हूँ, देखते हैं कि किस प्राइस में ये बाई हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 17 रुपये 35 पे ये ऑर्डर लग चुका है। ओके, क्योंकि ये बेस्ट प्राइस है,
यहाँ पर आप देख सकते हो लगते ही ये एग्जीक्यूट भी हो गया 17 रुपये 35 पे, और इसके नीचे SL भी लग गया है 12 रुपये 35। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मुझे इसको मॉडिफाई करना है, इसको कन्वर्ट करना है टारगेट में। मैं इसमें क्या करता हूँ, सो -1 लगा देता हूँ और मॉडिफाई कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा मॉडिफाई होकर 18 रुपये 30 पॉइंट पर टारगेट लग चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अभी मेरा प्राइस चल रहा है 17 रुपये 25, करेक्ट। अभी मुझे इसको क्या है, सेल करना है। सेल करने के लिए मुझे यहाँ पर आपको क्वांटिटी इधर दिख जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता क्योंकि पहले मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, कोई भी ओपन ऑर्डर है। ओके, सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करते ही आपका जो भी ओपन पोजीशंस है, पेंडिंग पोजीशन है, वो कैंसिल हो जाएंगे। अभी मैं सेल कर सकता हूँ। सेल करने के लिए यहाँ जाके मैं यहाँ पर क्या है 1725 पे सेल करता हूँ, 1725। ओके, 1740 हो गया है, मैं 40 को सेल करता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके 1740 पे ए ट्रिगर हो चुका है, करेक्ट, ट्रिगर होके ए सेल हो चुका है। ओके, ए ज़्यादा ही ट्रिगर हो चुका है लगता है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, 1740 था, मैं इसको 18 कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि वो पास हो चुका है। ओके, 18 के ऊपर चला गया है इसको, कि मैं कैंसिल कर दिया है। अभी मैं सेल कर सकता हूँ, सेल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट टारगेट लगा देता हूँ कि -1। ओके, सो उसके लिए मुझे पेंडिंग ऑर्डर, ओपन ऑर्डर में कुछ होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैं सेल करता हूँ यहाँ पर सेल, अभी प्राइस चल रहा है 1825, सो मैं 1815 रख देता हूँ। सो कन्फर्म, यहाँ पर मेरा ऑर्डर सेल हो चुका है। ओके, ये था मेरा ऑटो लिमिट का ऑप्शन। ऑटो लिमिट क्या करता है, ऑटोमेटिकली चूज़ करता है बेस्ट प्राइस को। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन। मैंने कल ही टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि सारे लिमिट ऑर्डर अभी क्या है कि वो SL लिमिट पे कन्वर्ट हो चुका है। ओके, सो आप प्राइस के अबव भी बाई कर सकते हैं, बाई करके रख सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर आप दिखा देता हूँ कि लिमिट प्राइस है। अभी मुझे इसको लेना है, अभी ये 18 रुपये चल रहा है, मुझे 20 पे लेना है। किसी का एक ब्रेकआउट रहता है, वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन रहता है। सो इसके लिए आपको लिमिट पे रखना है, और मुझे अभी फ़िलहाल 21 रुपीज़ में इसको मुझे बाय करना है। ओके, मैं ओके कर देता हूँ। जो ऑर्डर मैंने बाय किया है वो अभी पेंडिंग में चला गया है, ट्रिगर पेंडिंग। ओके, इसको ट्रिगर करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, और थोड़ा आगे का मैं लेके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल हो चुका है अभी। सो बाय अभी 1845 चल रहा है, मैं अभी इसको 1860 पे लेके दिखाता हूँ। 1860 हो चुका है, 19 पे ले लेते हैं। ओके, 19 पे ले लेते हैं, जो देखते हैं कि ट्रिगर होता है कि नहीं। सो ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे नहीं लगता मैंने दूर का पुट लिया था, कॉल लिया था। सो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और इसको मैं रख देता हूँ बाय 18.90 पे रख देता है, 1880 पे रख देते हैं। ओके, सो आपको दिखाने के लिए, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लग चुका है, ऑटोमेटिकली लग चुका है 1880 पे। सो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। ओके, सो स्क्वायर ऑफ हो चुका है सब कुछ, 1845। सो लिमिट 1870। ओके, अभी ये देखो, अभी यहाँ पर मेरा ऑर्डर है 1870 पे लग चुका है, अभी ट्रिगर भी हो चुका है। देखो 1870 पे ट्रिगर हो चुका है, और वहाँ पर SL भी लग चुका है अभी। ओके, 1870 पे ए ट्रिगर हो चुका है, और 1370 पे SL भी लग चुका है, करेक्ट। अभी मैं इसको मुझे कन्वर्ट करना है टारगेट पे, मैं इसको -1 यहाँ पर मॉडिफाई कर देता हूँ। ये यहाँ पर टारगेट पे कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर टारगेट में कन्वर्ट हो गया है। अभी ये 20 25 को पहुँचेगा,
तब मेरा ऑर्डर एग्ज़िट हो जाएगा। ओके सो इसको देख लेते हैं कि ओके ये था लिमिट जो आप कोई भी, अगर आपको नीचे लेना है नीचे भी ले सकते हैं, वो आपका वो मार्केट में ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, वही प्राइस पे प्लेस होगा जो आपने लगाया है। ओके अभी इसको देख लेते हैं ठीक से। यहाँ पर मेरा 20 LTP चल रहा है, 20 चल रहा है, 1970 ओके ओके मैं अभी इसको क्या करता हूँ, मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट करने के लिए मुझे इस पर नहीं, इसके नीचे ही एग्ज़िट जाना चाहिए था। सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फ़िलहाल, कैंसिल पेंडिंग ऑर्डर्स। मैं डायरेक्टली सेल करता हूँ इसको, सेल। यहाँ पर प्राइस चल रहा है, 1940 ओके। सो 1940 मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 1920 पे मैं 1910 पे मैं भेज दूंगा। ओके सॉरी 1920 आ चुका है, सो कंफर्म। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 1920 पे ऑर्डर ओपन हो चुका है और ये हिट भी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट मैं अभी और एक ऑर्डर यहाँ पर है पी लिमिट। सो ये पी लिमिट क्या है, सॉरी मैं आपको नीचे भी लगा के दिखाता हूँ लिमिट का। सो लिमिट अभी मार्केट चल रहा है 19.45 ओके। मुझे अभी इसको लेना है 17 रुपये पे लेना है ओके। अभी 19 चल रहा है ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑर्डर है आप 17 ओपन पे चला गया है ओके। अभी 17 रुपये पे आएगा तभी ये बाय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था आपके प्राइस के नीचे भी ऑर्डर प्लेस करना है, अगर आपको प्राइस के ऊपर भी प्लेस करना है तो इसके मदद से आप इसको इजीली कर सकते हैं इस टूल के मदद से। ठीक है, आपको एक आइडिया आ चुका है और कैसे काम करता है। सो मैं इसको क्या करता हूँ अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ, नहीं इसको मैं ट्रिगर करा के आपको मैं दिखाता हूँ। सो अभी ये 17 रुपये पे चल रहा है, सो मैं इसको क्या करता हूँ कैंसिल करता हूँ और मैं अभी इसको बाय करता हूँ। अभी 1915 चल रहा है, मैं 19 पे बाय करूँगा। सो 19 अभी ये ऑर्डर 19 पे लग चुका है ओके। और हम इसको देखेंगे कि ये 19 पे आते ही ऑर्डर प्लेस होता है कि नहीं है ओके। सो मुझे नहीं लगता ये 19 पे आएगा फिर से, मार्केट भाग रहा है अभी ओके। और ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ अभी यहाँ से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो ओके। यहाँ से ही कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर आप नीचे लगा भी सकते हो करंट प्राइस के नीचे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 0.10 नीचे साइड से इसको आप मॉडिफाई करते ही आपका ये ओपन ऑर्डर है ना, ये आपका मॉडिफाई होकर 1955 हो चुका है देखो ओके। आप यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हो जो भी पेंडिंग या ओपन ऑर्डर है ओके। अगर आप इसमें माइनस लगा देते हो वो ऊपर के साइड करंट प्राइस के ऊपर की साइड आपका मॉडिफाई हो जाएगा ओके ओके। सो ऐसा है। सो नेक्स्ट अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अभी ये लग जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं ओके। 1955 पे ये लगना चाहिए। सो 1955 पे नहीं लग रहा है, सो मैं और एक बार मॉडिफाई कर देता हूँ ओके। मॉडिफाई अभी क्या होगा, 2010 पे आपका मॉडिफाई हो चुका है और ट्रिगर हो चुका है देखो। ट्रिगर होते ही आपका SLB लग चुका है ओके। ट्रिगर पॉइंट बेस्ड ऑन दिस, अगर मैं यहाँ पर टारगेट रखा होता तो मेरा टारगेट लग जाता है इमिडिएटली ओके। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सी मेरा लग जाए लग चुका है। अभी मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ ओके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ट्रिगर पेंडिंग है, मैं इसको मॉडिफाई करके -10 रख देता हूँ, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, आपका SLB मॉडिफाई होके करंट प्राइस के -1975 पे आपका SL लग जाएगा ओके। ये SLB लग चुका है और आपका और प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ऐसा है ओके। सभी एक जगह से आप वन क्लिक में सब कुछ मॉडिफाई बाई टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ यहाँ से लगा सकते हो ओके। ये था लिमिट ओके। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पी लिमिट। यहाँ पर पी लिमिट में क्या है, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में आपने यहाँ पर पी लिमिट 5% का लगा के रखा है। आप इसको अगर आप इसको -5 करते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा प्राइस के अबव ओके। अगर आप इसको 5 रखते हैं प्राइस
करंट प्राइस के नीचे आपका ऑर्डर लग जाएगा। ओके देख लेते हैं इसका डेमो। अभी यहाँ पर मैं 5 रख दिया है, मैंने इसको सेव कर दिया है। ओके इसको सेव करने के बाद आपको एक बार रीसेट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा ऐप को। ओके अगर फॉर एग्जांपल मैं पीर लिमिट रखा है तो यहाँ पर पॉइंट्स है ना आपका वो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉइंट्स ले लेता है। ओके मैं इसको बाई करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ऑर्डर 20.1 पे आपका ट्रिगर पेंडिंग में चला गया है, नहीं सॉरी ये आपका लग गया है 20. ओके इसको समझ में नहीं आ रहा है। ओके पॉइंट परसेंट ओके 1975 पे लग चुका है मैं भी लग गया है यहाँ पर। सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फ़िलहाल, जो भी ऑर्डर्स है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके और यहाँ पर आप देख सकते हो पी लिमिट SL आपका क्वांटिटी है 1, अगर मैं 5 रखा है उधर सो ये आपका भाई ओके 20.1 पे आपका ट्रिगर लग चुका है 5% करंट प्राइस के 5% के ऊपर मुझे यहाँ पर लग गया है ट्रिगर पेंडिंग। अगर ये बाय इधर इस प्राइस में चला जाता है तो ये बाय हो जाता है 5% के ऊपर। अगर मुझे नीचे करना है तो इसको मैं करना पड़ेगा माइनस। ओके माइनस कर दिया तो ये नीचे के साइड लग जाता है, प्लस है तो आपका ऊपर के साइड करंट प्राइस के ऊपर यहाँ पर लग जाता है। ओके इसको भी हम देख लेते हैं। ओके सो मैं इसको रिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर -5 कर देता हूँ, -5%। सो इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और लॉग इन करके वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। ओके सो मैं यहाँ पर आप ओके सो मैं यहाँ पर आप दिखा देता हूँ एक बार लॉग इन होने के बाद यहाँ पर मैं पोजीशंस ओके सो मार्जिन ओके इतना ही दिखा रहा है, दिक्कत नहीं है। ओके OTM ओके सो मैं यहाँ पर पी लिमिट रखता हूँ और SL रख देता हूँ लॉट साइज 1 और 1 ओके मैं यहाँ पर प्रेस करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए 12 रुपये पे लग चुका है। ओके बाई 12 रुपये मतलब नीचे करंट प्राइस के नीचे लग चुका है। अगर इसको मैं एक पूरा कैंसिल कर देता हूँ जो भी ऑर्डर्स हैं। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आप ऊपर नीचे प्लेस कर सकते हो परसेंटेज के हिसाब से। ओके और वैसे आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में, आपको यहाँ पर 0.5% का स्टॉप लॉस ऊपर, 0.5% का स्टॉप लॉस नीचे आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट था तो इसलिए मैंने इसको रखा है। ओके नहीं तो आप डायरेक्टली पॉइंट्स के हिसाब से खेल सकते हो। ओके सो नेक्स्ट आपको यहाँ पर सेल का आप देख लिया आपने, कैंसिल का देख लिया, आप पोजीशन भी देख लिया, मॉडिफाई भी आपने देख लिया है और यहाँ पर जो भी आपने ट्रेड लिया है इसका आपको लॉग्स भी यहाँ पर मिल जाएगा सारे। ओके और अगर आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करना है अभी या नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी, अगर नेक्स्ट मंथ में चला जाता है सो आप यहाँ से एक्सपायरी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट नवंबर का। ओके नवंबर का सेलेक्ट करते ही आपका नवंबर के हिसाब से आपका सेट हो जाएगा आपका LTP और आपका स्ट्राइक प्राइसेस। ओके सो ये था है। और आपको OI के डेटा चाहिए तो आप करंटली OI क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। अभी 12:03 अभी 12 लास्ट अपडेटेड है 12:03 पे। ओके ये आपको लाइव और कॉल सेट कितने, पुट राइटर्स कितने हैं और कॉल राइटर्स कितने हैं सो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके और एक क्विक मोड की क्या है कि अगर आप क्विक मोड सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अक्टूबर निफ्टी और देन मैं यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करता हूँ, आपको मार्केट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और SL देन आपको पॉइंट्स और आपका क्वांटिटी। ओके मैं यहाँ पर दूर का ले लेता हूँ। ओके
सो मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, बाई करते ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, अगर मुझे मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे इसको पुट साइड मुझे कन्वर्ट करना है, इसको पुट साइड में लेना है, इसको एग्जिट करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट साइड का क्लिक करता हूँ, जो भी ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाद में आपका पुट साइड का एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी, और यहाँ पर मैंने सी को सेल किया है, कंप्लीट हो चुका है, और पी भी लग चुका है, बी लग चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और पी साइड का मुझे सेल भी यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस भी लग चुका है, इसको मुझे बाद में मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से मुझे कॉल के साइड लेना है, सो मैं यहाँ पर कॉल के साइड बाई क्लिक करता हूँ, तो जो भी ऑर्डर थे वो एग्जिट हो जाएंगे, और मेरा सी लग जाए, मेरा पी सेल कंप्लीट हो चुका है, और मेरा सी भी लग चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी कंप्लीट, और मेरा सी सेड का एसएल भी लग चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह आप इसको कॉल सेड पुट सेड आप यहाँ से वर्क कर सकते हो। अभी ये माइनस पे चल रहा है, मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। ओके ओके, थैंक गॉड मैं प्लस में चला गया सडनली। ओके, सो मैं पूरा एग्जिट भी हो चुका। इसको आप बिना चार्ट देखे भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बिना स्मॉल स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करने में आसानी होगी इस टूल की मदद से। ओके, और यहाँ पर मैं तब से मैं कुछ भी कर रहा हूँ, या अभी लैग नहीं हो रहा है, मैं आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटस नज़र आएगा, कंप्लीट, रिजेक्टेड, वो सभी, और ये स्क्वायर ऑफ, और ये लॉग आउट है। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यहाँ पर मेरा नंबर है। ओके, यहाँ पर आप नंबर में कॉल कर सकते हो, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल में मैंने एक ग्रुप भी बनाया है अल्गो फॉर गुड करके, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझे चैट भी कर सकते हो। मैं एनी टाइम आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो आप देख लेना कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आपको क्या क्या क्रेडेंशियल्स कैसे डालना है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ओके, इसी वीडियो पे। ओके, और यहाँ पर कुछ लोग ना ऑथेंटिकेटर में आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल से ऑथेंटिकेटर कोड को पेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बार बार ऑथेंटिकेटर कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर TOTP, यहाँ पर आपको एक लॉन्ग QR कोड का स्ट्रिंग मिलेगा, उसको आपको कॉपी करके वहाँ पर डालना है। ओके, डालने के बाद आप सेव करो, रिस्टार्ट करो, आपको बार बार ऑथेंटिकेटर कोड को डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ले लेता है। ओके, आपका करंट OTP क्या है। ओके, सो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। ओके ओके, लॉग आउट हो चुका है तो कोई बात नहीं। सो पी ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको क्या है, क्योंकि क्या है बहुत लोगों को सही से सेटिंग्स में वन। ओके, सो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेटिंग सिक्योरिटी में जाता हूँ, TOTP, आपको यहाँ पर QR कोड का लॉन्ग स्ट्रिंग मिलेगा, इसको आपको इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, और ऑथेंटिकेटर टैब में आपको पेस्ट करना है। सो मैं इसको अभी सेटिंग्स ओपन नहीं करता क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स है यहाँ पर। ओके, और आपको वेंडर कोड और बाकी सारे क्रेडेंशियल्स आपको प्रिज्म के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे, वो सही से कॉपी करना, स्पेसेस भी चेक करना सही से, आपका क्रेडेंशियल सही है तो आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके, अगर कुछ लोगों को ऐसा दिक्कत आ रहा है कि वेबसॉकेट एरर आ रहा है, सडनली क्लोज हो रहा है, समटाइम्स क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता है कुछ फायरवॉल की वजह से। ओके, मेरे क्लाइंट के ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करने के बाद ये टूल वर्क करने लगा, पहले वो लॉगिन नहीं कर रहा था, वेबसॉकेट SSL एरर करके कुछ दे रहा था। ओके, आपका OS का भी इशू हो सकता है। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिना कोई दिक्कत के सबके सिस्टम में ये लॉगिन हो जाए। ओके, अगर मेरे पास कुछ भी सॉल्यूशन है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट इमिडिएटली कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल के चैनल में ग्रुप है, वहाँ पर आप क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा।
इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। अगर ये टूल आपको काम का है, आपका कुछ मदद कर सकता है ट्रेडिंग के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।